हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कलर कैसे करते हैं। गाइस, इस कटिंग का वीडियो लिंक आई बटन पे है, वो ज़रूर चेक करें। कलरिंग के टाइम पे जहाँ से मैंने जीरो ट्रिमर लगाया था हेयर कट वक्त, वहाँ पे हम कलर नहीं लगाएंगे। नहीं तो गाइस, आफ्टर वॉश जो हमारे साइड का फेड है वो अनइवन हो सकता है कलर के लगने वजह से, इसलिए हम उसको नहीं कलर करेंगे। गाइस, आप ध्यान दो साइड्स पे कलरिंग ब्रश कैसे चल रहा है। वीडियो मैंने फास्ट की है जिससे आपका कीमती टाइम बच सके, तो आप वीडियो को ध्यान से देखो और सीखो। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बिफोर हेयर कंडीशन दिखाई थी जिसमें 70% हेयर ग्रे थे, तो हम सारे हेयर को कवर करेंगे। गाइज, कोई भी बाल रहना नहीं चाहिए, कलर सब पे लगना चाहिए। हो सके तो सेक्शन बाय सेक्शन कलर लगाओ जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, ये एकदम सही तरीका है और कलर भी परफेक्टली लगता है। गाइज, अगर साइड फेडेड है और ग्रे है दिख रहे हैं तो कलर साइड्स पे लगा दो, लेकिन एप्लीकेशन होने के बाद नैपकिन से साइड्स को कलर जो लगा हुआ है उसको साफ कर दो, जिससे क्या होगा, स्किन पे जो हमारा कलर लगा है वो चढ़ेगा नहीं और हमारा फेड बना रहेगा। गाइज, ऊपर के बाल भी सेक्शन बाय सेक्शन एप्लीकेशन करें जैसे आपकी वीडियो में देख रहे हैं। ध्यान रहे कलर छूटना नहीं चाहिए। गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको मेरा जो सिखाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो गाइज फुल सपोर्ट जरूर कीजिए। आपको मेरी इंस्टा आईडी शो हो रही होगी, मुझे वहाँ भी फॉलो करो, और पर्सनली कुछ पूछना है तो वहाँ मैसेज कर सकते हो, तो गाइस वहाँ पे मेरे को इजी होता है रिप्लाई देना। कलर होने के बाद लास्ट चेकआउट जरूरी है, तो वो आप जरूर चेक करें। तो गाइज, हमारा कलर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिला होगा। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइज, बाय बाय।